एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एक से बढ़कर एक प्रश्न देने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों, विश्वास के साथ क्लास में लगे रहिए क्योंकि आपको मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास नहीं किया जाता है, बल्कि हर वो टॉपिक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है क्वेश्चन के माध्यम से, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं इसी क्रम में। आज ग्रामर की क्लास 15 है। आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन करेक्ट सेंटेंस से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट अर्थ हैज़ बीन राउंड, और चौथा ऑप्शन कह रहा नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है और वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट किया गया है। अब बी को किस सेंस में उसने करेक्ट किया है तो इसको ध्यान करेंगे। पहले ये समझे कि ये चारों सेंटेंस इनकरेक्ट कैसे है देखेंगे। हम सभी पढ़े हैं कि कभी भी प्लानेट हो गया, अर्थ हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें ये जो यूनिक हैं उनके पहले दो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ दिए गए तीनों ऑप्शन में द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। द सन, द अर्थ, है ना, द मून, बट अब जब नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी ही क्यों करेक्ट किया गया है तो इसको समझेंगे। पृथ्वी गोल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा तो है नहीं कि पहले गोल नहीं थी, भविष्य में भी इसका आकार बदल जाएगा। राउंड है तो राउंड है ज्योग्राफिकल सेंस में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। आप जानते हैं किसी की आदत, यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई प्रोवर्ब, ये सब चीज़ें हमेशा प्रेजेंट में रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, नोट डाउन करते चलें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलेंगे। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। माई सन इज डिज़ायरस इन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिज़ायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिज़ायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, एंड डी ऑप्शन इज माई सन इज डिज़ायरस फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको आप ध्यान रखें। डिज़ायरस कहीं भी लिखा हो तो उसके साथ की इच्छा होना के सेंस में ऑफ का प्रयोग होता है, और कभी भी प्रीपोजिशन अगर आया हो तो आप ध्यान रखिए उसके साथ अगर वर्ब आ रहा है तो ऑलवेज वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में रहेगा, इट मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो प्रीपोजिशन वर्ब के आईएनजी को लेता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिज़ायरस, सेकंड ऑप्शन है हम सभी का डिज़ायरस इन, डिज़ायरस ऑन, डिज़ायरस ऑफ एंड डिज़ायरस फॉर। तो देख लेंगे यहाँ पर हम सभी का ऑफ ऑप्शन करेक्ट होगा, मींस ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी आता है तो चारों में आया हुआ है, और डिज़ायरस मतलब इच्छुक होना, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको आप अलग नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इस एग्ज़ाम के लिए ये वाला क्वेश्चन, इस एग्ज़ाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। ग्रामर का कोई कैटेगरी नहीं होता, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आसान और कठिन हो सकते हैं। जो आपको आएगा तो वो आसान है, जहाँ पर आपको नहीं आएगा या जिन रूल को आप जो है प्रैक्टिस में नहीं लाए होंगे वो भूल जाएगा तो आपको लगेगा कहाँ से पूछा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अननोन अनफैमिलियर क्वेश्चन नहीं होता, सभी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन फैमिलियर ही होते हैं, आपके रिवीजन पर निर्भर करता है आप उसको कितना इजी बनाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम लोग चलेंगे। आइडेंटिफाई द बेसिक सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई चूजिंग Identify the basic sentence pattern of the sentences by choosing from the given option 3 to 5. It means question number 3, question number 4 and question number 5 have given for you. आपको क्या करना है,
इसको आपको चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट हुआ है, यानी कि एस, आप इसको ऐसे समझें, एस जो लिखा है, एस हमेशा सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, एस इज स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, वी बराबर वर्ब, ठीक है, ओ कहीं भी लिखा है तो उसको ऑब्जेक्ट समझें, ऑब्जेक्ट समझें, सी लिखा है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ओके, और ए लिखा है ए बराबर एडवर्ब, ओके, एडजेक्टिव एडवर्ब, अब वर्ब के बाद एडवर्ब ही आएगा, एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, ठीक है, तो चलेंगे, अ लिटिल काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे, इसका मीन्स अ लिटिल काइंडनेस क्या है, सब्जेक्ट है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, गोज वर्ब है, अब गोज के बाद आपको क्या चूज करना है, अब आपको देखना है कि जो ये वर्ड आ रहा है वो क्या है, तो क्या ये काइंडनेस को मॉडिफाई कर रहा है या ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम से ढूंढते हैं, तो यहाँ पे क्या और किसे, तो बिल्कुल नहीं आंसर मिल रहा है, यहाँ पर अलॉन्ग वे गोज को मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ये एडवर्बियल है, तो सीक्वेंस में एस वी ए करेक्ट हो रहा है, तो ये हम सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब का एक एडवर्ब है जिसको एडवर्बियल कहा जाता है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं, आप सिर्फ एसएससी सीजीएल को ही नहीं ना टारगेट कर सकते, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ग्रामर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है बट आपको टॉपिक जानना आवश्यक है, ओके, क्वेश्चन नंबर बी फोर भी देखिए इसी पैटर्न पे बना है, आई एनवी यू, एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना, ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है कि आई एनवी यू, उसके बाद है योर ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब तुमसे भी, तुम्हारे ब्यूटीफुल गार्डन से भी, आई आपका सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया, एनवी आपने वर्ब ढूंढ लिया, ठीक ना, अब देखिएगा इसमें क्या है, सी पहले ऑप्शन में जो सी है वो कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा ऑप्शन में ओ मिल रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और तीसरे ऑप्शन में दो बार ओ मिल रहा है तो दो बार ऑब्जेक्ट है, और तीसरे ऑप्शन में ओ सी तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, अब आप ध्यान रखेंगे इसको, जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम ऐसे समझाने का प्रयास करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, सभी बच्चे जानते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन और लिविंग थिंग्स होते हैं, तो उसको दो बार वो लिखा जाता है, अब देखिए ऑब्जेक्ट मिला ना, एक मिला यू, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, और दूसरा योर ब्यूटीफुल गार्डन मिला, ये भी ऑब्जेक्ट है बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब इसको आप ऐसे समझें, किसे मतलब किससे ईर्ष्या करते हो, तो होम से आप ढूंढेंगे तो यू निकलेगा, क्या ईर्ष्या क्या से ढूंढेंगे तो व्हाट से ढूंढने पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी दो बार ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, I have always found him friendly, ठीक है, तो कह रहा है I have always found him friendly, यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, सब्जेक्ट तो सब ऑप्शन में लिखा है, सब्जेक्ट सब में रहेगा, वर्ब भी सब में लिखा है तो वर्ब भी सब में रहेगा, अब आगे बढ़ते हैं, I always found, found आपका वर्ब हो गया, him friendly, तो him friendly इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, आप देख पा रहे हैं किसे, तो आपका मिल गया ना ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, अब आप कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट आपका फ्रेंडली है, फ्रेंडली क्या है मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करें वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो भी हो, और सब्जेक्ट को जो भी बात करें वो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में सी आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस वी ओ और सी, ठीक है, बाकी ओ ओ है तो फ्रेंडली ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो एक एडवर्ब की तरह कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक ना, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर फोर ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं एरर के क्वेश्चंस, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने लगे हैं, तो उसको पैटर्न को समझिएगा, रूल तो आप जानते ही हैं, 15 माइल्स गलत है, आर गलत है, लॉन्ग वे गलत है या टू वॉक गलत है,
कौन सा वर्ड इसमें आप रिप्लेस करना चाहेंगे बताइए। 15 माइल्स हटा दिया जाए या आर को हटा दिया जाए या लॉन्ग वे में से कुछ गड़बड़ है या टू वॉक। देखिए बच्चों, बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो एक मेजर को डिफिनिट करते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए 100 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर, तो आप क्या कह रहे हो? 100 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर, तो यहाँ पर 100 एक बन गया ना। अगर हम कहें 100 पैसे, तो आप कहोगे मैम 1 रुपये, तो 100 पैसे प्लूरल थे वो 1 रुपये बन गए। इसी प्रकार से कुछ मेजर होते हैं, वो मैथमेटिकल होगा या फिर आप कह सकते हो कोई मेजर होगा, वो मिल करके एक बनाता है, ठीक है। तो ऐसे सेंस में जैसे 10 miles इज अ लॉन्ग, तो उसी प्रकार से 5 miles भी जो है क्या हो जाएगा, 15 miles एक, तो यहाँ पर इज बनाएगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर यूनिट को डिफाइन करे तो वो सिंगुलर को लेता है, देखने में प्लूरल वो हो सकता है। आई होप आपने इस बात को समझा होगा। ये बहुत रिपीटेड टॉपिक है और मुझे लगता है सभी विद्यार्थी इसको कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिएगा। एवरी मैन इज डिपेंडेंट, चेंज टू निगेटिव। सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा है, आपको इसको निगेटिव में बदलना है और आपका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। मीनिंग विल नॉट बी चेंज्ड बाय यू, बताइएगा। मीनिंग नहीं बदल सकते आप, स्ट्रक्चर यू कैन चेंज, ओके। आप देखिए एवरीवन इज नॉट, निगेटिव बनाएंगे तो तुरंत मीनिंग ही बदल डाले आप। हर कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको निगेटिव का मतलब नॉट थोड़े ना ढूंढना है। ये कंपटीशन है बच्चों, ये हाई स्कूल वाला नहीं है जो हम लोग प्रेजेंट का अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव डू डज लगा के बनाते थे। कंपटीशन में आपको हट के काम करना पड़ता है, वही क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखिएगा, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। नोबडी इज इंडिपेंडेंट, यदि कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब यही तो हुआ, हर कोई डिपेंडेंट है। बात समझ पा रहे हैं ना। एवरीवन का उल्टा नो वन या नोबडी होता है और डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट। जैसे अगर हम कह दें एवरीबडी इज हैप्पी, तो आप कहोगे ना हर कोई हैप्पी है तो नोबडी इज सैड। बात आपने उलट के कहा लेकिन वही तो मिला कि हर कोई खुश है तो कोई दुखी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो 7 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समवन इज इंडिपेंडेंट, तो एवरीवन समवन में अंतर हो जाता है। समवन मतलब कोई एक अनजाना सा इंसान, अननोन पर्सन, लेकिन एवरीवन मतलब एवरीवन मींस नोन, ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जिसको आप जान रहे हो, हर कोई। नथिंग डिपेंडेंस, ये तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट, इसमें कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट है? कैरियर, क्रिएटर, सेंटर, कैरियर। एक कैरियर साइकिल वाला कैरियर होता है, एक कैरियर कैरियर जो जीवन का करियर होता है, जैसे आप अपना करियर कहाँ बनाना चाहते हैं। क्रिएटर मतलब निर्माता और सेंटर मतलब केंद्र। तो कौन सा इसमें गलत लिखा है, मिस स्पेल्ट मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग, यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस सेंटेंस, बताएं। करियर सही लिखा है, क्रिएटर सही लिखा है, कैरियर भी सही लिखा है, सेंटर नहीं सही लिखा है बच्चों। सेंटर की स्पेलिंग CENTRE होता है, जैसे थिएटर की THEATRE होता है, वैसे सेंटर और थिएटर सेम पैटर्न पे स्पेलिंग बनाते हैं। इसको नोट डाउन कर लें, ये दोनों स्पेलिंग बार बार एग्जाम में पूछा गया है, सेंटर और थिएटर का, ओके। तो चलिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लोरोफिल की स्पेलिंग, क्लास 3 से ही क्लोरोफिल, पत्तों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? क्लोरोफिल, सभी बच्चे जानते होंगे पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, तो क्या होगा इसका करेक्शन? ऑप्शन ए पढ़ लें, CHLOROPHIL, CHLOROPHYLL, CHLOROPHYLL, COLORPHIL, विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, बताएं। क्लोरोफिल की करेक्ट स्पेलिंग, आप बिल्कुल परेशान न हो, फिल में PHYLL रहता है अंत में,
किस किस में है उसको आप फाइंड आउट करें। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर इसके बाद डी में नहीं है, बी में और सी में है। तो देखिए क्लोरोफिल, तो सी एच एल ओ आर ओ क्लोरो पी एच वाई डबल एल, ठीक है, क्लोरोफिल लर्न कर लें, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन बी सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल, ओके चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टेंथ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस सेंटेंस। पहला ऑप्शन ऑमलेट, दूसरा भी ऑमलेट, तीसरा भी ऑमलेट, चौथा भी ऑमलेट। एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई अपने जीवन में इसको नॉर्मल सा यूज करता है, ऑमलेट की करेक्ट स्पेलिंग। मुर्गी के अंडे से ऑमलेट बनता है ना, जब उसको गर्म कर दिया जाता है तावा पर, ऑमलेट। ज़्यादातर विद्यार्थी ऑमलेट खाते होंगे, जो नहीं खाते हैं उन्हें भी भाई जानना है ऑमलेट की स्पेलिंग है, ठीक है। तो यहाँ खाने और ना खाने से मेरा सेंस मात्र स्पेलिंग से है, इसको पर्सनली ना लें। ऑमलेट की करेक्ट स्पेलिंग हर कोई सुना है, बताइएगा। पहले आप ध्यान में ये रखें कि डबल एम नहीं रहता, ठीक है। फिर दोबारा आप दिमाग में रखें डबल एम नहीं रहता और डबल एल भी नहीं रहता, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फिर से बी और डी पर आप आ जाएं, तो डबल टी अंत में रहता है और ई रहता है, तो ऑम लेट, लेट याद करेंगे तो ई दिमाग में रहेगा। ओ एम ई एल ई डबल टी ई ऑमलेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है, इसको किसी भी प्रकार से आप माइंड मेकअप करें, एग्जाम में आता है, ठीक है, आया भी हुआ है, ओके। टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, बताएं। पहला कह रहा है आपको पंक्चुएशन मार्क ढूंढना है। पंक्चुएशन मार्क का मीन्स होता है यहाँ पर कि कौन सा साइन फुल स्टॉप का या कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेशन का, ये सब करेक्ट है। कौन सा है पहला देखेंगे, दे इनवोक्ड गॉड्स हू ब्लेस्ड देम, फुल स्टॉप ही नहीं लगा, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दे इनवोक्ड गॉड्स हू ब्लेस्ड देम। तीसरा देखेंगे, दे इनवोक्ड गॉड्स हू ब्लेस्ड देम। अब देखिए जब आप हूँ को बीच में लगाते हैं तो हूँ के पहले लगता है या नहीं लगता है, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा। यदि लगा है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा, जब कोई नहीं है तो ऑप्शन जिसमें सही जगह लगा है उसी को मानेंगे। हूँ के बाद नहीं लगता है तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो गया। और ये स्वेमी कॉलन का कोई यूज ही नहीं होता। इनवोक मीन्स होता आह्वान करना, बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा, आह्वान करना, बुलाना, सुमिरन करना, जो भी मीनिंग निकाले आप। तो दे इनवोक्ड गॉड्स हू ब्लेस्ड देम, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, दे इनवोक्ड गॉड्स हू ब्लेस्ड देम। यहाँ पर देखिए एक कॉमा होना चाहिए, यदि नहीं है तो इसका मतलब भी यही सही है, बाकी जगह तो गलत लगा है। पहले में गॉड्स के पहले होना ही नहीं चाहिए, दूसरे में हूँ के बाद नहीं हो सकता, तीसरे में सेमी कॉलन का कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि ये दो डिपेंडेंट क्लॉज हैं ना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। याद रखिए फ्रेंड्स, फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर, भंगुर मतलब आसान, इजी टू ब्रेकेबल, ठीक है, आसानी से टूट जाने वाला, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इजी टू डैमेज्ड आर ब्रोकन, इजी टू डैमेज्ड आर ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से एक बार मैं आपके सामने ला चुकी हूँ, तो मुझे लगता है मेरे विद्यार्थी बहुत मेहनत से पढ़े होंगे और उनको जरूर से जरूर लर्न होगा। तो इलास्टिक मतलब क्या हो गया, फ्लेक्सिबल मतलब, देखिए इलास्टिक फ्लेक्सिबल ये मिल रहा है, सपल भी इलास्टिक का ही सिनोनिम है, ब्रिटल इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ब्रिटल मतलब होता है भंगुर या आसानी से टूट जाने वाला। और भी अगर आप देखना चाहें तो ब्रिटल का सिनोनिम आप लिख सकते हैं ब्रेकेबल, ब्रेकेबल भी इसी का सिनोनिम है, डेलिकेट भी इसी का सिनोनिम है, ठीक है, यू कैन राइट डाउन। और फ्रेल, F R A I L, इसको भी लर्न करें,
FRAIL, ये भी जो है ब्रिटाइल का और फ्रेजाइल का सेनानिम है। ओके, अगर हम सभी इलास्टिक, फ्लेक्सिबल और सपल की बात करें तो इन सभी वर्ड का प्रयोग हमेशा स्ट्रेची के लिए किया जाता है। इसका मतलब STRETCHY, स्ट्रेची मतलब सपल, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल। ओके, आई होप आपने लर्न किया होगा, नोट किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अल्मा मैटर क्या होता है? अल्मा मैटर मींस मैरिड, स्टडीड, डाइड या वॉज बॉर्न, बताइए। अगर आप कहीं पर कोई काम करें तो उसके लिए एक वर्ड आता है अल्मा मैटर। कह रहा कि इज द प्लेस वेयर वन, किसी की शादी हो उस स्थान को अल्मा मैटर कह देते हैं, कि कोई पढ़ा हो उसको अल्मा मैटर कर देते हैं, या किसी की मृत्यु हुई हो उसका अल्मा मैटर हो जाएगा, या कोई जन्म लिया हो उसको अल्मा मैटर कह देंगे, बताइए फटाफट। फ्रेंड्स, इसको आप लर्न कर लें, नोट भी कर लें, ठीक है। बहुत से बच्चे होंगे जो नोन होंगे, बहुत से अननोन होंगे, तो जो नहीं जानते हैं वो ध्यान रखें। जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसको अल्मा मैटर शब्द से यूज़ किया जाता है, मतलब आपकी बचपन से लेकर के कहीं पर आपकी पढ़ाई हुई रहे तो उसको अल्मा मैटर कहते हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, वन क्लास से ले, आई मीन टू से कह सकते हैं बेबी क्लास, नर्सरी क्लास, LKG, UKG से लेकर के 8th या 10th या 12th एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड अल्मा मैटर फॉर देम। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर। गोलर इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ, अगर आपको याद होगा, आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी या दूसरी क्लास, तो मैंने गोल शब्द को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था और मैंने बताया था GOAL हो तो इसका मीन्स होता है लक्ष्य यानी एम या टारगेट, और फिर मैंने बताया था GAOL हो तो ये इसका मतलब मैंने बताया था जेल। अब जो बच्चे लर्न किए होंगे उन्हें जरूर याद होगा। तो गोल से देखिए, आपका आप देख पा रहे हैं ना कि कुछ रूट वर्ड है, उस रूट वर्ड से सफिक्स लगा करके एक नया शब्द बना, तो रूट वर्ड नहीं ना चेंज कर सकते आप। तो अब बताइए, हॉस्पिटल होगा, प्रिजन होगा, स्कूल होगा, फुटबॉल फील्ड होगा, नहीं ना। प्रिजन मतलब कैद खाना, जेल, तो यहाँ पर हो जाएगा गोलर, ठीक है। तो इसको गोलर पढ़िए, गावलर पढ़िए, जिस प्रकार से भी पढ़िए, परंतु याद रखिए GOAL हो तो लक्ष्य होता है, GAOL हो तो क्या होता है, जेल, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। द मीनिंग ऑफ यूथैंसिया का मीनिंग बताना है आपको। द मीनिंग ऑफ यूथैंसिया, यूथैंसिया मीन्स क्या, आपको अगर याद होगा तो क्या नाम था उनका, मुझे भी ध्यान है, हाँ अरुणिमा या अरुणा आसफ ऐसे करके कुछ नाम था, जिन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, अरुणा आसफ अली शायद उनका नाम था, मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो पा रहा है। उनके साथ मतलब किसी व्यक्ति ने गलत किया था और उनको जो है रॉड से या किसी चीज़ से, याद आया, कुत्ते के बेल्ट से उनका गला कस दिया गया था, जिससे उनके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ देर के लिए रुक गई थी और वो कोमा में चली गई थी। आपको याद होगा ना, वो नर्स थी, सेविका, सेवा किया करती थी हॉस्पिटल में, उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, अगर आपको याद होगा तो। और अक्सर करके इच्छा मृत्यु की मांग तो आजकल विद्यार्थी भी, जॉब नहीं मिलती है और वैकेंसी नहीं मिलती है, या कोई भी व्यक्ति कई बार सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक दुख से इच्छा मृत्यु की मांग सरकार से कर देता है। तो मर्सी किलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। मर्सी किलिंग मीन्स होता है इच्छा मृत्यु, मर्डर, असैसिनेशन, अटैक, ये तीनों मिलता जुलता है। मर्डर मीन्स किसी की हत्या करना, मर्डर मीन्स किसी की हत्या करना, असैसिनेशन मीन्स भी निर्मम हत्या या राजनीतिक कारणों से हत्या, अटैक मीन्स भी आक्रमण होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। यूथैंसिया मीन्स होता है इच्छा मृत्यु, इसको स्पेलिंग के साथ लर्न कर लें फ्रेंड्स, आया हुआ एग्जाम में EUTHANASIA, ठीक है, लर्न कर लें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। डोसाइल मीन्स क्या होगा?
स्टूपिड, जेंटिल, वैल्यूलेस, चीप, बताइए डोसाइल मीन्स क्या होगा। आपको बस ये जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या कौन से ऐसे ऑप्शन से जो मिल रहे हैं। तो देखिए वैल्यूलेस, चीप, स्टूपिड मिल रहा है ना। स्टूपिड माने मूर्ख, वैल्यूलेस मतलब होता है जिसका कोई महत्व ही ना, चीप मतलब भी सस्ता। जेंटिल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इन बाकी तीनों से डिफरेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेंटिल करेक्ट ऑप्शन होगा। डोसाइल मीन्स होता है जेंटिल मीन्स सज्जन। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। अ डैश सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। एक ऐसा सैनिक जो पैसे के लिए लड़ाई करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को वेटरन कहते हैं, लॉन्ड कहते हैं, मर्सनरी कहते हैं कि नोटोरियस कहते हैं। बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेटरन मतलब अनुभवी, लॉन्ड मतलब विद्वान, मर्सनरी मतलब पैसे के लिए काम करने वाला, नोटोरियस मतलब डिफेम पर्सन, डिफेमस यानी बदनाम व्यक्ति। बताइए मर्सनरी, इसको याद कर लीजिए, पैसे के लिए ही वो काम करता हो, चाहे आप सेना में उसको लड़ाई लड़वा लें, आप किसी का मर्डर करवा दें, आप किसी के साथ उसके उसको धोखा करवा दें, ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। ओके उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है। ऐसा इंसान जिसका मोटिव होता है पैसे कमाना, पैसे के लिए काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड मर्सेनरी। मनी मर्सेनरी आप याद करें, MERCENARY, ठीक है, एग्जाम में आता है। ओके क्वेश्चन नंबर 18 पर चलें। आई एम डन फॉर, अब यहाँ पे डन फॉर जो अंडरलाइंड है इसका क्या मतलब है। आई एम डन फॉर, यहीं पर काम खत्म हो गया, आई मीन टू से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैप्पी, रुइंड, सक्सेसफुल और वेरी एक्साइटेड। अब देखिए वेरी एक्साइटेड और आप कैसे इसको कर सकते हैं, वेरी एक्साइटेड, सक्सेसफुल और हैप्पी मिल रहा है ना, रुइंड नहीं मिल रहा है। रुइंड मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है, मैं बर्बाद हो गया, आई एम डन फॉर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रुइंड। हैप्पी, सक्सेसफुल, वेरी एक्साइटेड, ये सब मिलता जुलता ऑप्शन है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि रुइंड ही ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखें फ्रेंड्स। राइटिंग नॉवेल्स इज ब्रेड एंड बटर, ठीक है। अब ब्रेड एंड बटर क्या होता है तो इसको याद रख लें। ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी, लाइवलीहुड, जीवन यापन, कुछ भी करें तो ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी। तो मतलब जो है नॉवेल लिखना मेरा रोजी रोटी है या मेरा क्या है, जीवन जीने का साधन है, लाइवलीहुड है, जीवन यापन का साधन है, दैट इज कॉल्ड लाइवलीहुड ब्रेड एंड बटर। अब देखिए पॉलिटिकल वैल्यू राजनीतिक मूल्य है, पहला प्यार है, हॉबी है यानी कि रुचि है, या लाइवलीहुड यानी मेरा पेशा है, मेरा जीवन यापन है या मेरा जीवन जीने का यही कमाने का जरिया है, दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। ओके ये बड़ा कॉमन सा शब्द मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करें तो ब्रेड एंड बटर आपको मिल ही जाएगा। अब ब्रेड एंड बटर के साथ अगर वर्ब लगाएं तो हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, जैसे हॉर्स एंड कैरीज, करी एंड राइस, और कहते हैं स्लो एंड स्टडी, और आपका ब्रेड एंड बटर, ये हम ये दो देख एंड से भले जुड़े हैं, आपको लग रहा है कि प्लुरल है, बट ये रियल में सिंगुलर की तरह काम करते हैं, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेके चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ही वैनिश्ड डैश द डार्कनेस, बताइएगा। अब ये वैनिश्ड मीन्स होता क्या है फ्रेंड्स, तो इसको समझें, अदृश्य हो जाना, डिसअपीयर हो जाना वैनिश्ड का मीनिंग होता है, यानी कि वह अंधेरे में गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया, अदृश्य हो गया, वैनिश्ड का मीन्स। तो वैनिश्ड टू द डार्कनेस, इन द डार्कनेस, इन टू द डार्कनेस या थ्रू द डार्कनेस, प्रीपोजिशन बताइए। इसको आपने पढ़ा है ना, मोशन हो, साइंटिफिक कोई इवेंट हो, कोई क्या हो, कोई कह सकते हैं कोई प्रैक्टिकल हो, तो वहाँ पर हमेशा इन टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे
कोई कुएं में कूदा, मोशन हुआ, इंटू हो जाएगा। पानी पिघल के क्या हो गया, पानी बर्फ पिघल के पानी बन गया, पानी किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में। तो ये साइंटिफिक कोई मतलब मोशन है, साइंटिफिक प्रोसेस है, वैसे वैनिश्ड इनटू द डार्कनेस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका इनटू करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, टू भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, थ्रो भी नहीं होगा, तो इनटू अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको देने का प्रयास किया गया है, ताकि बच्चों आप सभी को मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं, और आप लोगों का ध्यान हर टॉपिक पर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। सिर्फ नरेशन और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से ही जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी नहीं चलती है का मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते आप। आपको हर टॉपिक वर्ड पावर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, idioms and phrases हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम क्लॉज, बहुत सारे क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, देयर आर मेनी टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी। ओके, चलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।